तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय टेंथ वीडियो। होप करता हूं आप सब अच्छे होंगे। अगर नहीं हो तो वीडियो देख के हो जाओगे। सो आज के वीडियो में कुछ होगा अलग, कुछ बहुत ही अलग, कुछ बेहतरीन और कुछ नया आप लोगों के लिए। सो बने रहना एंड तक। अभी लेट हो रहा है, सो फट से निकलते, आपको रास्ते में बताऊंगा क्या है। ठीक है, लेट्स गो। सो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह कहाँ जा रहा हूँ। सो मैं जा रहा हूँ ऑक्शन के लिए। अब आप सोचोगे कि ऑक्शन क्या है। तो ऑक्शन हर साल यहाँ पर एक टूर्नामेंट होता है NPL करके, नालचिक प्रीमियर लीग, ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट। सो उसके लिए हर साल यहाँ पर ऑक्शन होता है। 6 टीम्स रहती है, ठीक है। इस साल 6 टीम है, पिछले वाले साल 7 टीम थी, इस साल 6 टीम है। हर टीम में से 2 प्लेयर रिटेन होते हैं। लाइक IPL आपने देखा ही होगा, IPL का ऑक्शन कैसे होता है, वैसे ही हर टीम में 2 प्लेयर रिटेन होते हैं और बाकी की टीम उन्हें ऑक्शन के थ्रू बनानी पड़ती है। सो उसके क्या नियम है, क्या रूल्स है, क्या सब कुछ है, वो सब आपको पता चलेगा धीरे धीरे। सो अभी मैं जा रहा हूँ ऑक्शन के लिए, ठीक है। मेरा भी नाम उस लिस्ट में है, ऑक्शन लिस्ट में, मुझे भी कोई खरीदेगा। हर टीम के पास 8,000 पॉइंट होंगे खरीदने के लिए और बहुत ही ग्रैंड टूर्नामेंट होगा। विनिंग प्राइस 50,000 के अराउंड कुछ होगी। सो यही सब है, बहुत मजा आएगा देखना, कुछ एंटरटेनिंग होगा आज के ब्लॉग में, ठीक है, बने रहना। मैंने सोचा था मतलब कि हर साल मैं टीम बनाता हूँ, इस साल भी मैंने बनाई है, लेकिन खुफिया तरीके से बनाई है, क्योंकि हर साल जब मैं अपने आप को रिटेन करता हूँ तो टीम जीत नहीं पाती, पता नहीं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न। सो इस बार मैंने सोचा कि मैं खुद अपना नाम ऑक्शन में दे दूँ और उस टीम, जो टीम मैंने सोचा है कि हमने बनाई है, अगर उस टीम ने मुझे खरीद लिया, अगर उनके पास एक सफिशियंट पॉइंट हुए और उनने मुझे खरीद लिया तो वेल एंड गुड है, और अगर दूसरी टीम में चला गया तो फिर कांड ही कांड। सो दोस्तों, हर साल ये होता है टूर्नामेंट और हर साल बहुत मज़ा आता है। जब गर्मियाँ पड़ने लगती है, धूप खिलने लगती है, तब ये टूर्नामेंट होस्ट किया जाता है और बहुत बहुत मज़ा आता है इस टूर्नामेंट में। हर चीज़ मतलब कि सब लोग आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। सो बहुत अच्छा एक ये इनिशिएटिव है और बस यही है, मैं 2 साल से अपनी टीम बना रहा हूँ लेकिन कभी जीत नहीं पाए। सो इस साल मैंने सोचा कि अपना नाम ऑक्शन में ही दे दें, शायद जीत जाए, क्योंकि इस साल जीतना है दोस्तों, क्योंकि जो सीनियर लोग हैं वो अगर चले जाएंगे उसके बाद इतना मज़ा नहीं आएगा। सब टीम के पास 8,000 पॉइंट रहेंगे दोस्तों, 8,000 पॉइंट में से तुम्हें पूरे 11 लोग बनाने हैं, अपनी टीम बनानी, और वो भी अच्छे अच्छे। सो सबके पास सेम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स है, देखते हैं कौन कितना क्या कितना दिमाग चलाता है, उसके ऊपर है सब कुछ। और बस लोकेशन वही है, अपना जो रेयन है जहाँ पर अपन चाय पीते, उसके नीचे एक कैफ़े है अपना इंडियन, सलाम नमस्ते, वहाँ पर होगा ये ऑक्शन। सो अभी आपको मेन्यू भी दिखाऊंगा, कैसा क्या सब वहाँ पर अरेंज हुआ है वो भी दिखाऊंगा, शायद हो गया हो तो, क्योंकि 1:30 बजे का टाइम बोला था। अभी देखते कितने लोग वहाँ पहुँचे या कितने नहीं पहुँचे, ठीक है, अब सीधा वहीं मिलते हैं। मेरी कुछ आज मतलब अलग ही स्ट्रेटजी है, क्योंकि हमने इस ऑक्शन की तैयारी मैंने बहुत टाइम से कर ली थी और मैंने खुद ने एक जूनियर जो है उसको बोला कि अपन टीम बनाते हैं लेकिन मैं रिटेन नहीं होऊंगा, अगर मैं रिटेन हो जाऊंगा तो जो दूसरा अच्छा प्लेयर है उसको खरीदने में फिर बहुत सारे पॉइंट्स खराब वेस्ट हो जाएंगे। सो हमने 2 प्लेयर को रिटेन किया है और मैं खुद ऑक्शन में जा रहा हूँ। ये प्लान है हमारा, ये मेरी टीम है, ठीक है, मतलब कि जिस टीम में मैं जाना चाहता हूँ उसके पास स्पॉन्सर भी सब कुछ मिल चुका है, लेकिन बस मुझे खरीद ले वो लोग और डन हो जाएगा सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन भी किया कि रिटेन हो जा रिटेन हो जा, लेकिन उनमें सबको मना किया कि मैं नहीं हो सकता रिटेन, और रीज़न भी नहीं बताया। सो आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस कोई भसड़ ना हो, इतना चाहता हूँ मैं। आपको ब्लॉग के एंड में बनाऊँगा कि मैं जिस टीम में जाना चाहता था वो टीम में मैं गया कि नहीं, ठीक है। सो दोस्तों, ये है लोकेशन। तो दोस्तों, देख सकते हो आप सारा माहौल यहाँ पर, ये पहली टीम है द बॉयज, ये इनके कप्तान है, ये इनके स्पॉन्सर है और ये रिटेन प्लेयर है। ये दूसरी टीम है चरण भैया की, क्या नाम है, स्पार्टन्स, ये के स्पॉन्सर है, ये कप्तान और ये रिटेन। और ये हमारी टीम है मतलब कि तीसरी टीम, इसमें स्पॉन्सर ये दोनों हैं, कुंदन और मलिक, और ये कैप्टन और ये वाइस कैप्टन, ठीक है। ये है चौथी टीम इलाइट ईगल्स, जिनके स्पॉन्सर ये सन्नी भैया, आकाश भाई कैप्टन और ये रिटेन। ये है पांचवी टीम, देखा होगा आपने इनको, फेमस बंदे जिनके कप्तान है ये खुद स्वयं सिद्धांत प्रधान,
रोहित रिटालिया स्पॉन्सर, और ये यासिर जूनियर है, यूनिट 10 है इनका, और ये आरआर रॉयल्स है, ये है क्रीज हंटर्स। क्या नाम है? आरआर लायंस, सॉरी आरआर लायंस। और इनके दूसरे रिटेन का है? अच्छा ये दो ही रिटेन है। स्पॉन्सर स्पॉन्सर ये है यहाँ पर, जाओ बैठो। स्पॉन्सर स्पॉन्सर ये है, ये है हमारे ऑक्शन करने वाले होस्ट ऑक्शनियर, ये है और ये है भैया। आपने तीनों ऑक्शन होस्ट करेंगे, ठीक है? अब जैसे ही शुरू होगा वैसे ही करेंगे। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं सब लोग की 6 टीम मौजूद है अपने स्पॉन्सर और रिटेन प्लेयर के साथ, जो कि कप्तान और वाइस कप्तान है, ठीक है? तो पहली टीम है द बॉयज, दूसरी है स्पार्टन, के बाद जैसी एन पी योद्धास, फिर है अपने एल आई डीगल्स, फिर है अपने आर आर लायंस, ठीक है? तो मेरा हर टीम से निवेदन है कि एक एक लोगों को यहाँ पे भेजे अपने बार टर्न बाय टर्न, और एक एक चीज उठाए फिर ऑक्शन शुरू हो जाए, ठीक है? तो द बॉयज बैट्समैन से शुरू हो रहा है ऑक्शन पहले, ठीक है? पहला नाम है कुंदन, तो 1700-1800 दोस्ती ना छोड़ेंगे। सो दोस्तों अभी तक तो बहुत अच्छा चला, अभी ब्रेक हुआ है थोड़े 5-10 मिनट का चाय का ब्रेक, फ्रेश फ्रेश होंगे सब, और उसके बाद फिर से ऑक्शन शुरू होगा। ये हमारे ऑक्शनियर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अभी चाय पी रहे हैं, बताऊंगा आपको। अभी मेरा नाम भी आने बाकी है। ये दूसरी टीम के कप्तान है, थैंक यू सिद्धांत प्रधान, आपने देखा आर्यन का बड़ा भाई, बड़े भैया हमारे, हमारे प्रधान जी है। देखते हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़ कौन कितने में बिकता है, बताऊंगा आपको, ठीक है? चलो लेट्स गो, ये चाय पी लेते हैं, देर रुक जाते हैं, ठीक है? ट्रिम कर दूंगा मैं, Lions, 50 Lions, 100 Lions, 300 Lions, 400 Lions, 500 Lions, 600 Lions, 700 Lions, 800 Lions, 900 Lions, 1000 Lions. नहीं, 1100 बॉयज, 1200 ईगल्स, 1300 लायंस, 1400 ईगल्स, 1400 ईगल्स, आर्यन लखलानी कोई है? 1500, 1600, 1700, 1800, 1800 ईगल्स, इतना है इनके पास पैसा? 2, 1900, 2000, 2003 sold. किसमें गया? यूनाइटेड इगल्स। ला भाई मैं ही रख के आता हूँ। 2000 दोस्तों, ये रोहिंग टीम है, मेरा नाम सो दोस्तों अभी आपने देखा ही, अभी ऑक्शन खत्म करके अभी जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ, सब बताता आपको कैसा क्या रहा, ठीक है? बने रहना थोड़ी देर।
दोस्तों ऑक्शन ख़त्म करके मैं आ चुका हूँ अपने हॉस्टल, और ऑक्शन बहुत बढ़िया रहा, बहुत मज़े किए, बहुत मस्ती की, और जो जो हमने सोचा था उस हिसाब से मेरा तो चला है, क्योंकि मैं बिका हूँ 2000 में, ठीक है, 2000 पॉइंट्स में बिका, और जिस टीम में मुझे जाना था उन्होंने मुझे खरीदा, तो मेरी सारी प्लानिंग जो थी वो सक्सेसफुल रही, ठीक है। और बाकियों का थोड़ा बहुत डामाडोल रहा, 2-3 टीम का, कि जो प्लेयर उन्हें चाहिए था वो नहीं मिल पाया क्योंकि पॉइंट्स की कमी थी, तो ऐसा बहुत कुछ हुआ। फन था, मतलब कि कुछ इंटरेस्टिंग था, कुछ नया था, ये हर साल होता है हमारे यहाँ। और अभी टूर्नामेंट के टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है फाइनल्स में, और उसमें 2-3 महीने लगेंगे अभी तो, क्योंकि हम सिर्फ वीकेंड्स पे मैच करेंगे और जब छुट्टी रहती है हमारी, ऑफ कोर्स। और बस यही हर साल ऐसे ही होता है, इस बार मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, अगले साल पिछले वाले साल में मैं नहीं बना रहा था, सो आप देख नहीं पाए, लेकिन इस साल आप देखोगे। होप करता हूँ मेरी टीम अच्छा करे, बहुत अच्छी टीम बनाई तो है, ऑन पेपर बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन फील्ड पे इतना ही अच्छा परफॉर्म करे जितने अच्छी वो टीम बनाई है हमने एक बार। और बस आज का वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, इतना सब कुछ कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। तस्वीर दानिया।